केवल 3500 रुपए की उधारी ने ली एक शख्स की जान। बकाया पैसा ना मिलने पर पीट पीट कर कर दी हत्या। हत्या आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस के गिरफ्त में चढ़े 3 अंतरराज्यीय शातिर लुटेरे। नकदी स्वर्ण आभूषण सहित 2 तमंचा भी हुआ बरामद। निर्माणाधीन चिड़ियाघर के निर्माण कार्यों का मंडलायुक्त अनिल कुमार ने किया निरीक्षण। दिया निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम से की मुलाकात। सौंपा ज्ञापन, अपने साथी को फर्जी तरीके से फंसाए जाने का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेसियों ने मनाई 25वीं पंचायती राज दिवस की विचार गोष्ठी। जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं, किया निस्तारण। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। वहीं पर विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ की बैठक, किया निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा। अमित सिंह बंसल ने संभाला गोरखपुर विकास प्राधिकरण का कार्यभार। कहा विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। नगर निगम में कम धन आवंटन से आक्रोशित गैर भाजपा पार्षदों ने सौंपा अपनी मांगों के संबंध में पत्र। कपड़ों पर प्रदेश के अंदर ई वे बिल हटाने को लेकर व्यापारियों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। कहा ई वे बिल से आ रही हैं कई दिक्कतें। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने की बैठक। 25 अप्रैल को धरना प्रदर्शन की बनाई रणनीति। गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन समिति के प्रबंध समिति के चुनाव में सूर्य प्रकाश, विनय, इंद्र प्रताप और धर्मेंद्र हुए विजयी। 25 को होगा सभापति और उपसभापति का चुनाव। इतिहासकार की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में जायसवाल समाज ने महापौर को दिया पत्रक। महापौर ने दिया आश्वासन। मंडलायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारों जिलों के अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। जिला सेवा योजन कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ रोजगार मेला। विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 162 आवेदकों को दिया गया रोजगार। अंत्योदय योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की सीडीओ ने की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सीआरडीपीजी के बीएड विभाग का हुआ सत्र समापन समारोह। और बीबीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा।